अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ और मैं बना रही हूँ उड़द की भुनी हुई दाल। तो उड़द की भुनी हुई दाल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर मैंने प्याज फाइनली चॉप कर ली और चार हरी मिर्चें मैं चॉप कर रही हूँ। यहाँ पर उड़द की भुनी हुई दाल के ना तमाम स्पाइसेस जो जाएंगे खड़े जाएंगे, यानी कि कुछ भी उसमें पिसा हुआ मसाला नहीं डलेगा। तो ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैं लहसुन चॉप कर रही हूँ। मेरी एक पाव दाल है तो मैंने स्पाइसेस उसके हिसाब से लिए हैं। आप जितनी बनाएं आप अपने हिसाब से स्पाइसेस दे सकते हैं। फाइनली मैंने चॉप कर लिया है इनको, गार्लिक को। इसके बाद मैं जिंजर चॉप कर रही हूँ। अदरक थोड़ी सी ज़्यादा इसमें अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी मुँह में आती है तो अच्छी लगती है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी बादी होती है, इस हिसाब से ये अच्छी होती है इसमें डालना। यहाँ पे हम खड़ा गरम मसाला लेंगे जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है और सिनेमन का टुकड़ा है और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं एक भगोने में ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज को सिर्फ सॉटे करना है, ज़्यादा मतलब फ्राई तेज़ गोल्डन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट से गोल्डन कलर देना है इसको। प्याज देखें मैं फ्राई हो गई है हमारी और मैंने यहाँ पे दाल 1 घंटे पहले भिगो के रखी थी। ये मैंने पानी समेत जितना मुझे पानी डालना था इस समेत मैंने इसमें दाल डाल दी है। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस डालूँगी जो मैंने काट के रखे थे। स्पाइसेस डालने के बाद हम दाल को इतना पकाएंगे कि दाल का पानी खुश्क हो जाए और ये घुटे ना, खड़ी खड़ी रहे दाल और नरम हो जाए, दाल गल भी जाए और घुटे भी ना। जब पानी खुश्क होता है फिर हम मिलते हैं आपसे। यहाँ पे मैं सलाद बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे सलाद बनाने के लिए खीरे लिए हैं, प्याज लिए है। खीरों को मैंने पील किया है और मैं इसको फाइनली चॉप करूँगी। ये दाल इतनी मज़े की बनी थी कि घर में बच्चों, बड़ों, सबको, सब ने शौक से खाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। यानी कि हमारे दाल का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट का दम दूंगी। दम देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी दाल कितनी बेहतरीन साबुत दाल है, बिल्कुल और बिल्कुल गली हुई है, एक एक दाना खिला खिला है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए हमारे दाल की फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, दिखने से ज़्यादा खाने में अच्छी थी। आप इस तरह मेरे रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।